हेलो स्टूडेंट्स हम लोग जो लास्ट क्लास में टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं टॉपिक था रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस सर्फिस इसमें प्लेन मिरर के थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे थे तो हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था वो था इमेज ट्रेसिंग इमेज ट्रेसिंग में हम लोग रे डाइग्राम के थ्रू हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन पॉइंट आउट की थी दूसरा जो टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था इसी मेन टॉपिक के अंदर मेन चैप्टर के अंदर जो दूसरा सब टॉपिक पढ़ा था दैट वॉज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन सर्विस क्लियर होगी बात बेटा जो हम लोग अब थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फील्ड ऑफ व्यू फील्ड ऑफ व्यू को जरा क्लियर करते हैं फील्ड ऑफ व्यू क्या चीज होती है आप लोगों ने इमेस्ट्रेशन की थी तो आप लोगों ने देखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी ऑब्जेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे विल बी इमेज क्लियर होगी बात बेटा अगर मैं कह देता हूँ एक, एक रे डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सरफेस या बाउंड्री है जिसके थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन को कंसीडर करेंगे ये एक सोर्स रखा है यहाँ पर ये सोर्स है सोर्स से इंसिडेंट रेस इस प्लेन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी मैं इनिशियल और फाइनल रेज की बात करूंगा जो पहले पॉइंट पर आएंगी और जो फाइनल पॉइंट पर आएंगी ये रेज एस से चल के इस एंड पर आकर स्ट्राइक करती है तो आपको पता है फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल इंसिडेंट का होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होगा तो रे यहां से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके इस तरफ चली जाएगी क्लियर होगी बात बेटा अब अगर मैं सेकेंड रे बनाता हूँ सेकेंड रे जो लास्ट पॉइंट पर आकर टकराती मैं इस पॉइंट पर ला रे को स्ट्राइक कराता हूँ तो देखिए क्या होगा अगर मैं लास्ट पॉइंट पर लाकर इस रे को स्ट्राइक करूंगा इस तरह से ये यह रे यहाँ पर आ स्ट्राइक करेगी तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये लास्ट इंसिडेंट रे हो जाएगी जो इस प्लेन सर्फेस से स्ट्राइक करेगी अगर ये इंसिडेंट रहे पहले इंसिडेंट एंगल ये आई था तो ये आर था ये आई वन ये आर वन ये एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल होगा आई टू तो इसी के करस्पॉन्डिंग रिफ्रेक्शन का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आर टू ये मैंने इस जो सरफेस बाउंड्री है ए और बी रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री के इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मैंने रिफ्लेक्शन करके दिखाया तो ये पहली रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी और ये लास्ट रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी इसके बीच में आप आपका मन करे तो आप यहाँ से एक रे बनाओगे वो भी रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी इसके बीच में आप यहाँ पर एक बनाओगे तो यहाँ पर जाएगी इसका मतलब ये हुआ जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी जितनी भी इस सरफेस के थ्रू इस सोर्स की रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो सारी रे इसी लाइन में होंगी देखिए अगर मैं एक रे ऐसे बनाता हूँ तो वो टकरा कर बेटा इधर ही जाएगी अगर मैं अगली रे इधर बनाता हूँ वो भी टकराने के बाद इधर ही आएगी यानी जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो सारी रिफ्लेक्ट होकर क्या इसी रीज़न में जाएंगी ये वो रीज़न है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल करेगी और आपको मैंने टॉपिक स्टार्ट करते ही बताया था कि रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि जब आपने ऑब्जेक्ट और इमेज का आइडिया लिया था कि रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से इमेज बनती है और आपको इमेज दिखाई कब देती है जब रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है यानी ये वो रीजन है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल करेंगी अगर रिफ्लेक्टेड रे ट्रैवल करने का ये रीज़न है तो इसका मतलब ये हुआ अगर मेरी आंखें यहां पर हैं तभी मेरी आंखों में रिफ्लेक्टेड रे आएंगी अगर मेरी आईज यहां पर है तो कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगी अगर मेरी आईज यहां पर है तो कोई रिफ्लेक्टेड रे मेरी आइज पर नहीं जाएगी अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों पर नहीं जाएंगी इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ यहीं पर है और रिफ्लेक्टेड रे अगर मेरी आंख यहां पर होगी आईज यहां पर होगी

रीजन इन विच इमेज कैन बी सीन वो रीजन जहां पर इमेज को देखा जा सकता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू क्लियर कर लेते हैं एक बार ये पहली रिफ्लेक्टेड रे यहां से गई ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो यहां से गई इसका मतलब इस रिफ्लेक्टिंग सरफ़ेस कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी एबी के थ्रू सोर्स एस से निकलने वाली रिफ्लेक्टेड रेज जितनी भी होंगी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो सारी इसी रीजन में ट्रेवल करेंगी तो क्या मैं एक लाइन में यहां पर आपको ये बता सकता हूं कि ये वो रीजन है फील्ड ऑफ रिज इज वॉट ये वो रीजन है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल कर रही है तो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू इस डायग्राम का फील्ड ऑफ व्यू ये रीजन है इस रीजन का कहीं पर भी इन दोनों रेस के बीच में आप कहीं पर भी हूं तो आपको ये इमेज एस की इमेज आपको दिखाई देगी क्लियर होगी बात रीज़न जिसमें रिफ्लेक्टेड रे ट्रैवल करते हैं उसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू या फिर मैंने कहा रीजन इन विच इमेज कैन बी सीन क्योंकि इमेज तभी दिखाई देती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आंखों पर जाती है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ईजली आपको समझ में आ जाएगा ठीक है बेटा है है ये है, ये एक मिरर रूफ छत है छत है छत के नीचे आपने मिरर रख दिया मिरर के कुछ डायमेंशन है मैंने कहा मिरर की लेंथ लेट ई है रूफ है आपने फ्लोर पर मिरर रख दिया है फ्लोर पर मिरर रख दिया और ये रूफ है और आपकी आइस की कहीं लोकेशन में बना देता हूं कहीं पर भी मतलब लेट सपोज मैं मिड पॉइंट पर बना देता हूं ये आपकी आइस की लोकेशन है जहां से आप इमेज चीजों को देखेंगे क्लियर होगी बात बेटा तो अब मैं चाहता हूं कि ये अगर मेरे पास मिरर की लेंथ ए है या टू ए कुछ भी मैं ले सकता हूँ ये आपके पास मिरर की लेंथ है अब मैं सारी डायमेंशन एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये लेंथ हो गई लेट सपोज दिस लेंथ इज फाइव एच एंड योर आईज इज एट हाइट एच एंड यू आर एट लोकेशन बाई सेक्टर ऑफ इट की ये बिल्कुल पर रखी हुई है और ये रूफ है। रूफ तो तक है। यहां पर एक मिरर रख दिया जाता है और आंखें ये, ये तो मैं ऐसे करूंगा तो मुझे पूरी रूफ दिखाई देगी बट ऑब्वियस इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी मैं अपनी आइज के थ्रू इस मिरर में कितनी लेंथ ऑफ रूफ को कवर कर सकता हूं मतलब अगर मैं मिरर में देख रहा हूं तो मुझे कितनी लेंथ रूफ की दिखाई देगी इस मिरर में क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे कितनी दूर तक की रूफ दिखाई देगी कितनी दूर तक मतलब तो कितनी लंबी रूफ दिखाई देगी यानी लेंथ पूछ रहा हूं तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रूफ है ये रूफ है बेटा और ये मिरर है कि लेंथ ऑफ द रूफ फाइंड द लेंथ ऑफ द रूफ विच कैन बी सीन बाय ऑब्जर्वर थ्रू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इस रूफ की वो ले बताइए जो आप रिफ्लेक्शन के थ्रू ये ऑब्जर्वर देख पाएगा ये कंसेप्ट फील्ड ऑफ व्यू का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेचा तो फिर हम लोग जरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं बेटा इसमें पूछा गया फाइंड लेंथ ऑफ रूफ एज सीन बाई ऑब्जर्वर बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर आपको रूफ की वो ले बतानी है जो आप प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के थ्रू देख पाएंगे क्लियर होगी बात बेटा तो आप समझते हैं क्या होगा अब मैं बाउंड्री कंडीशन की बात करता हूं जैसे मैंने इस केस में बाउंड्री कंडीशन की बात की थी इनिशियल और फाइनल तो आपको पता है कि अगर मैंने इनिशियल और फाइनल जान ली तो उसके बीच का सारा रीजन आपको दिखाई देने वाला है तो यहां पर सिमिलर ट्राइंगल का लगेगा फिर बेटा बेटा मैंने ये शुरू की रे डायग्राम जैसा कि आपको पहले से पता है इस चैप्टर का नाम क्या है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब इसमें थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री का यूज आने वाला है अब अगर मैं कहता हूं कि ये वो रेज है यहां से एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो रही है बिल्कुल बाउंड्री ऑफ द मिरर पर और ये रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइस पे जा रही है क्लियर होगी बात और आपको पता है ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे ये आई आर और आई इजल टू क्या होता है आर ये कहां से पता है आपको दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको एक बात क्लियर है कि आई इजल टू आर होता है क्लियर होगी बात बेटा तो अब मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करता हूं मैं नाम लिख देता हूँ ये ए बी ये आईज है तो ई सी टी लेट सपोज एफ ये दो ट्रायंगल लिखता हूं मैं बेटा देखिएगा इन ट्रैंगल ए सी डी एंड ए एफ ई मतलब आईज ठीक है बेटा देखना आपको पता आईजू आर होगा

ए सी डी अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो तो तीसरा एंगल भी सेम होगा क्योंकि बे, बेटा तीनों एंगल का सेम होता है तो अगर ये सेम है इसके ये सेम है इसके तो ये भी इसके सेम होगा अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम हो तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं बेटा सिमिलर ट्रायंगल होते हैं इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए सी डी ट्रैंगल ए सी डी इज सिमिलर ट्रायंगल ए एफ ई ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर ट्रायंगल हैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है जो लेंथ होती है उनके रेशियोज सेम होते हैं वेरी गुड अगर मैं लेंथ के रेशियोज की बात करता हूँ तो आप यहाँ पर समझ सकते हो तो यहाँ तक आपको क्या क्लियर हुई बात देखो बेटा मैंने यहाँ से क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बाउंड्री कंडीशन ली थी इनिशियल और फाइनल तो अभी मैं इनिशियल कंडीशन से ले रहा हूँ फिर मैं फाइनल कंडीशन से भी ऐसे ही रे डायग्राम बनाऊंगा आधा इसलिए बनाया ताकि आप लोग इसको देखें और इसको समझ लें

सिमिलर ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या मैं एक बात लिख सकता हूं कि दोनों की लेंथ की रेशियो सेम होंगे मतलब क्या हुआ ए एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन सी टी एफ दिस लेंथ दिस सेम एज एफ अपॉन सी टी इन दोनों लेंथ का रेशियो सेम होगा एएफ की हाइट कितनी है जरा देखिए एएफ क्वेश्चन में आपको h दे रखा है एसी कितना दे रखा है बेटा 5h तो मैं क्या कह सकता हूं h अपॉन 5h इज इक्वल टू से एफई एफई क्या आपको दिख रहा है एक के इक्वल होगा एफ इज ए व्हाट इज सीडी यही हम लोगों को फाइंड करना था सीडी कम्स आउट टू बी s h कैंसिल हो गया 5 इधर गया फाइव ए सी डी की वैल्यू आपके पास फाइव ए आ गई यानी दिस लेंथ दिसव ए क्या आपको ये समझ में आ रहा है ये ए है ये है और ये भी लेंथ कितनी होगी ए होगी क्लियर होगी बात बेटा अब मैं वापस से इस साइड पर भी ऐसे डायग्राम बना रहा हूं बस आप लोग देखिएगा सिमिलरिटी से दे दे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो मैंने वापस से मैं दूसरे कलर से रेड बना रहा हूं सो so देट आपको क्लियर हो जाए बेटा ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जैसे मैंने इस केस में किया था ये यह नॉर्मल यहां पर नॉर्मल था ए सी यहां पर मैंने बी से ड्रॉ कर दिया ये सी डी ई इसका नाम जी हो गया इसका नाम एच हो गया तो क्या बेटा फिर से मैं आपको समझा पा रहा हूं कि एच पॉइंट से जो इंसिडेंट रे आकर इस सरफेस पे या प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ई पर जाती है अगर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ई पर जाती है और ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा सेम होंगे ये दोनों एंगल सेम होंगे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहा जा रही है ई पर तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरा पॉइंट बेटा देखते रहना दूसरा पॉइंट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल कैसे हैं जरा देखिए ये वाला ट्रैंगल और ये वाला एंगल आए।, आए बी ए, बी आई एंड बी जी एच बोथ एंगल्स आर 90 तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आपको अब आप ये बात समझ में आ रही ये वाला ट्राइंगल ई आई ई एंड बी जी एच बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो मैं यहां पर वापस से लिखता हूं ट्राइंगल बी आई ई सिमिलर टू ट्रैंगल बी जी एच कैसे सिमिलर हुआ ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम हो गया बीजीएच का ये वाला एंगल और बी आई ई का ये वाला एंगल बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90 तो थर्ड एंगल सेम हो गया तीनों एंगल अगर सेम हो गए तो दो ट्रैंगल आर सिमिलर दोनों एंग... अगर ट्रैगल सिमिलर हो गए तो फिर से वही बात हम लोग लेंथ के रेशियोज ले लेंगे फिर से लेता हूं मैं दिस by दिस दिस by दिस मतलब बी आई अपॉन बी जी as एज ई आई अपॉन जी एच क्लियर हुई बात बेटा बी आई अपॉन बी जी इज ई आई अपॉन जी एच बी आई इज नथिंग बट एच इज फाइव एच डायग्राम में देखिए ये लेंथ एच है ये लेंथ फाइव एच है ई e आई आपको दिख रहा है, क्या A है? Very good. -H. ये ए है वेरी गुड जी एच ये कैंसिल हुआ एच एच तो जी एच कितना गया आपके पास जीएच एच एच कैंसिल ए क्लियर हुई बात बेटा तो ये लेंथ भी आपके पास कितनी आ गई फाइव ए अब जरा मैं इस जी एच लेंथ मेरे पास आ गई तो जी एच को मैं ड्रॉ कर देता हूं आप लोग देख लीजिए जीएच कितनी आ गई मेरे पास फाइव ए ये क्या मैं बोल सकता हूं ये ए है ये भी ए है तो ये लेंथ भी कितनी होगी तो अब जो क्वेश्चन था क्वेश्चन में वापस से लौट के आते हैं फाइंड लेंथ ऑफ रूफ एज सीन बाय बाय ऑब्जर्वर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। मैं फिर से आपको हूं, ये एक है ऊपर रूफ है, मैं में देख रहा हूं, मेरी की हाइट कितनी दी है, है फाइव एस दी, दी गई है तो कितनी रेज आएंगी जो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज पे जाएंगी सो दैट की मुझे रूफ दिखाई दे तो फाइंड लेंथ कितनी लेंथ ऑफ द रूफ होगा जिसको मैं देख पाऊंगा मुझे पूरी रूफ नहीं दिखाई देगी क्यों क्योंकि प्लेन मिरर का साइज छोटा है तो मुझे ये ये जानी जानी लेंथ लेंथ थी दिस इज द आई नीड टू नो तो क्या मैं यहां तक पहुंचा ट्रायंगल को सिमिलर करके मुझे ये आ गई इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके ये कितनी आ गई फाइवे तो टोटल लेंथ कितनी आई दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस तो टोटल लेंथ ऑफ रूफ टोटल लेंथ ऑफ रूफ रूफ की टोटल कितनी आएगी A A A A the रूफ नाउ वी आर शिफ्ट टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा आप लोग फील्ड ऑफ यू के कंसेप्ट सेकंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं पहले मैं आपको क्वेश्चन के ओवर व्यू क्लियर करता हूँ ये पाथ है इस पर एक मैन चलकर यहाँ से इस तरफ ऊपर की ओर जा रहा है ठीक है बेटा कॉन्स्टेंट स्पीड से आ रहा है टेन मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर अ मैन इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड टेन मीटर पर सेकेंड ऑन द पाथ शोन इस पर एक आदमी दस मीटर पर सेकेंड से जा रहा है क्लियर होगी बात अब अगर ये आदमी यहाँ पर जा रहा है मैं सामने देखूंगा तो मुझे दिख ही जाएगा ये आदमी बट मैं इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ मैन इज ऑब्जर्व इन द मिरर मैन को मिरर में ऑब्जर्व किया जा रहा है थ्रू रिफ्लेक्शन मतलब मैं मैन को सामने देख कर ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं कैसे देख रहा हूँ मेरे हाथ में मिरर है मैन मेरे पीछे से जा रहा है और मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे मिरर में उसकी इमेज दिखेगी तो मैं इमेज के थ्रू मैन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्लियर होगी बात बेटा अगर मैं सामने देखूँ मैन जा रहा है तो मुझे दिख ही जाएगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बट मैन मेरे सामने जा रहा है मैं पीछे हो गया और मैंने मिरर के थ्रू उसको देखा है कि मैन किधर जा रहा है अब ये वाला पात में ऑब्जर्व करो सुनना बेटा तो पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मैन कैन सीन कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक मैन को देखा जा सकता है फिर से वही बात होगी बेटा फील्ड ऑफ व्यू जब तक रिफ्लेक्टेड रेस मेरी आंखों तक आएंगी तभी तक मुझे इमेज दिखाई देगी फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन कहती रीजन इन विच रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स और रीजन इन विच इमेज कैन बी सीन तो मुझे इमेज कब तक दिखाई देगी जब तक वो मेरी फील्ड ऑफ व्यू में होगा फील्ड ऑफ व्यू इस इमेज के हिसाब से क्या है इस मिरर की लोकेशन के हिसाब से क्या है ये मुझे समझना है ठीक है बेटा और ऑलवेज मैं बाउंड्री कंडीशन लेता हूँ पहली और आखिरी क्योंकि पहली और आखिरी रे अगर मुझे पता चल गई रे तो बीच वाली सारी रेस तो आ ही नहीं होगी मेरी आंखों में ठीक है बेटा तो मैं फर्स्ट और लास्ट रेस की बात करता हूँ यहां पर भी सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगेगा कि लेंथ और लेंथ का रेशियो ले लूंगा और वहां से आंसर आ जाएगा बहुत अच्छा सवाल है एक बार समझते हैं ठीक है बेटा तो मैं रे डायग्राम कंप्लीट करता हूं ठीक है बेटा यहां पर यहां से एक इंसिडेंट रेज आएंगी जो मेरी आंखों तक आएंगी और आपको पता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल क्या होंगे सेम होंगे क्लियर होगी बात बेटा ठीक है अब मैं कुछ नेमिंग कर देता हूं आपको क्लियर हो जाएगी बात बेटा ये नाम रख दिया मैंने ए इसका नाम बी दिस इज पी दिस इज क्यू मेरे इज पी क्यू ठीक है बेटा ए बी अब यहां पर एक पॉइंट और ले लिया दिस इज आई ई दिस इज सी ठीक है बेटा ट्राइंगल देखते हैं ये वाले इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं पर। पहले ट्राइंगल की जिसकी बात कर रहा हूँ वो समझते हैं पहला ट्राइंगल है ए बी पी इन ट्रैंगल ए बी पी एंड ट्रैंगल पी ई e. इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं बेटा ए बी पी एंड पी ई तो अब क्या आपको दिख रहा है एक छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्रैंगल की बात चल रही है छोटे वाले ट्रैंगल में देखते हैं टू एंगल्स आर सेम बिकॉज आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है बेटा ये दोनों सेम हो गए अगर ये दोनों सेम हो गए अब अगली बात करते हैं फिर से कहानी ये वाला एंगल क्या आपको 90 ऐसी फील आ रही है और ये भी 90 है तो क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्रैंगल सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों एंगल सेम है बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज टू आर एंगल्टी क्वाइट तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा तो ये क्या पूरे दोनों ट्रैगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रैंग एक एंगल आई इज टू आर से इक्वलर और दूसरा एंगल एंगल पी सी एज इक्वल टू पी बी ए दैट इज नाइन्टी डिग्री अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा तो मैं ऑब्वियसली बोल सकता हूं ट्रैंगल ए बी पी इज सिमिलर टू पी सी ई दोनों ट्रैंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर दो तो ट्रैंगल सिमिलर है तो उनकी लेंथ के रेशियोज क्या होते हैं सेम होते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं ये पी सी और पी बी पी सी बाई पी बी क्लियर हो है बेटा पी सी दिस लेंथ विच इज गिवेन एज ए पी बी पी बी मुझे समझना है फाइव ए ये ए है दिस इज फाइव ए दिस इज फाइव है दिस इज ए तो टोटल लेंथ कितनी हो गई सिक्स है पी मेरे पास कितनी है मैं रिख देता हूं पी सी इज फाइव है पी बी इज सिक्स वेरी गुड बेटा यहां तक क्लियर हो गई अब नाइन ये वाली लेंथ देखता हूं मैं सीई -E इज टू ए बी देखो बेटा क्लियर सी ई इज टू ए बी पी सी दिस लेंथ अपॉन दिस पी बी सेम एज सी ई टू ए बी सी ई कितना सी क्या आप देख के तो ये 15 है सी मुझे पता नहीं ए बी आई नो ए बी हमारा अननोन था क्या आपको दिख रहा है ए से ए कैंसिल हो जाएगा ए से ए कैंसिल आउट सिक्स फिफ्टीन से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा बेटा नाइनटी क्लियर होगी बात बेटा तो ए बी की गलन कितनी आ गई नाइनटी अब सिमिलरली मैं ऊपर उप, वाली साइड में भी ऐसे ही डायग्राम बनाता हूं और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूँ मेरे पास आंसर आने लगेंगे ठीक है बेटा तो समझते हैं फिर से वही कहानी कि मैंने कहा क्यू पॉइंट पर जो रे आकर स्ट्राइक करके मेरी आइज तक जाएगी दैट विल बी इन द रीजन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू वो वाली रे फील्ड ऑफ व्यू के रीजन में होगी अब यहां पर भी दो ट्राइंगल बन गए ओके क्वाइट इंटरेस्टिंग इसका नाम मैं रख ऐसे मैंने सी रखा है इस पॉइंट का नाम डी रख लेता हूं दिस इज डी एफ दिस इज ठीक है बेटा तो अब ये दो ट्राइंगल हो गए मेरे पास ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हो आप ये बड़ा वाला ट्रैंगल आपको दिख रहा है जी क्यू एफ मैं किस ट्रैंगल इन कर जी क्यू एफ जी क्यू एफ ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल क्या नाम है इसका ट्रैंगल क्यू डी जी क्यू एफ क्यू डी इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं अब आपको दिख रहा है कि इसमें वापस से आईजल टू आर हो गया और ये वाला एंगल आपको दिख रहा है कितना है ये दोनों एंगल कितने हैं नाइनटी वेरी गुड क्यू डी एंगल क्यू ई इज इक्वल टू एंगल क्यू एफ जी विच इज 90 दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ये वाला दोनों ट्रैंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे तो लेंथ के रेशियो सेम हो जाते हैं जी क्यू एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू डी ई लेंथ के रेशियो सेम हो जाते हैं फिर से मैं आता हूं क्यू डी डिवाइड बाई क्यू एफ क्यू डी डिवाइड बाई क्यू एफ छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इस टू बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इज इक्वल टू डी डीई अपॉन जी एफ छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और बड़े वाले ट्रैंगल की ये वाली साइड लेंथ के रेशियो सेम होते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं डी ई अपॉन जी एफ क्यू डी दिस क्यू एफ दिस क्यू डी अपॉन क्यू एफ डी ई ये वाली काली वाली छोटी सी लेंथ अपॉन जी एफ क्लियर बात बेटा क्यूडी देखिए कितनी है क्यू डी क्वेश्चन दिया ए ए ये लेंथ ए रहेगी टोटल लेंथ ए क्यू एफ ये वाली लेंथ ये आपको कितना दिया है फाइव ए ये कितना दिया ए फाइव ए प्लस ए सिक्स ए तो ये भी सिक्स ए तो क्यू डी इज ए क्यू एफ इज सिक्स ए ए सिक्स ए इज इक्वल टू डी ई डी क्या आपको दिख रहा है ये डी कितनी हो जाएगी फाइव हो जाएगी वेरी गुड बेटा डी हो जाएगी फाइव आपको क्या निकालना है? है निकालना आपको जी एफ निकल आएगा ए से कैंसिल आउट हो जाएगा फाइव से मल्टीप्लाई होते ही जी एफ टर्न आउट टू बी फाइव सिक्स थर्टी क्लियर होगी बात बेटा अब देखिए मुझे तो ये समझ में आ गया जब ये ए से लेकर जी तक रहेगा तब तक मुझे ये ऑब्जेक्ट या पर्सन या मैन दिखाई देगा इसमें मूव करते हुए इसके बियॉन्ड मुझे दिखाई नहीं देगा बियॉन्ड का मतलब ना इधर इससे पहले नॉर जी के बाद बात तो बहुत बड़ा है क्या हो रहा है मैं सामने मेरा लेके बैठा हूं एक सामने से एक आदमी निकल रहा पीछे से मेरे मुझे एक सर्टेन लोकेशन से दिखना शुरू होगा एक सर्टेन लोकेशन से इस तरफ दिखता रहेगा ना उसके लेफ्ट में दिखेगा ना उसके राइट right में दिखेगा तो सर्टेन लोकेशन की लेंथ कितनी होगी वही लेंथ में फाइंड कर रहा था ए बी आपने देखिए क्वेश्चन में कितना फाइंड कर रखा है बेटा ए बी आपने यहां फाइंड कर रखा है थर्टी अब इसको देख लें ये फिफ्टीन है ये फिफ्टीन है ये फिफ्टीन है तो टोटल क्या इतना होगा ये फिफ्टीन फाइव 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 तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है जरा एक बार देखिए ये लेंथ कितनी आई 90 ये कितनी आई 15 ये 5 ये 30 थर्टी फाइव फिफ्टीन नाइनटी तो क्या मैं इन सबको ऐड कर सकता हूं 5 15 90 30 इन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या मैं पहले पहले पार्ट में क्या पूछा गया है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मैन कैन सीन मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक देख सकता है मैन मैक्सिमम डिस्टेंस देखिए कितना आ रहा है टोटल 30 पहले पार्ट का आंसर लिख रहा हूं मेडम है फर्स्ट पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा थर्टी प्लस फिफ्टीन प्लस फाइव प्लस नाइन्टी फिफ्टीन प्लस फाइव प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस फाइव प्लस नाइनटी इसको ऐड करके कितना आएगा बेटा वन फोर्टी आ रहा है क्या वेरी गुड तो टोटल लेंथ कहां तक आपको दिखाई देगा वन फोर्टी मीटर्स क्योंकि ऐसा ही यूनिट में आपको ये फाइव भी

आदमी को ऑब्जर्व किया जा सकता है कितनी देर तक ऑब्जर्व किया जा सकता है समझते हैं मैन को कितनी देर तक ऑब्जर्व किया जा सकता है ये टोटल लेंथ है मैन की स्पीड दी गई है टाइम पूछा गया है टाइम क्या होता है आपको पता है टाइम बेसिक काइनामेटिक्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितनी है 140 मीटर स्पीड कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड तो टाइम्स टर्न्स आउट टू बी फोर्टीन सेकेंड तो पहले पार्ट का आंसर आ गया आपके पास 140 मीटर दूसरे पार्ट का आंसर हो गया बात बेटा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट था आपको जो रिफ्लेक्टिंग बाउंड्रीज दी गई है उसके एंड से कॉर्नर से आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके आपको सिमिलर ट्रैंगल की प्रॉपर्टी लगानी है सिमिलर ट्रैंगल में लेंथ का रेशियो सेम होता है उस रेशियो को को पिक करके आपके पास लेंथ आ जाएगी लेंथ को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी अप टू विच मैन कैन बी सीन टाइम पूछा गया है डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा ये आप फील्ड ऑफ व्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बेटा फील्ड ऑफ व्यू पर क्वेश्चन क्या है एक बार क्वेश्चन फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर मिरर की लेंथ इस बार बतानी है पहले आपको क्वेश्चन है मिरर की लेंथ ही होती थी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट विजन ऑफ पोल मतलब इस पोल को ये पोल दिया रख का ये मिरर है मिरर के थ्रू पूरा देखने के लिए मुझे कितनी लेंथ ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम लेंथ मैक्सिमम तो मैं इन्फाइनेट लेवल दिखता रहेगा पर मुझसे मिनिमम पूछिए मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी लू सो so दैट कि मुझे ये पोल पूर पूरा दिखाई दे क्लियर होगी बात पोल की टोटल लंबाई कितनी है फोर्टी आइस की लोकेशन भी दी है देखिए आइस ये रही ये आपकी आइस दी है इस लोकेशन पर ही आपको देखना है ब्लू कलर की मैंने आइस बनाई ब्लू आइज है ये ठीक है बेटा तो ये ब्लू आइज है यहाँ पर और आपको इमेज है इसके थ्रू आपको पोल की इमेज को देखना है आपको ये लोकेशन एट फॉर द शोन लोकेशन ऑफ आइस आइस की लोकेशन चेंज कर देंगे तो आपको रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी बट इस लोकेशन के लिए आपको फाइंड आउट करना है वापस से बेटा फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है तो मुझे क्या करना होगा रे डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा रे डायग्राम ड्रॉ करके मैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वही लेंथ का रेशियो सेम करूंगा और आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा मैं कुछ चीज़ें अपने लिए डिफाइन कर लेता हूँ सो दैट के आंसर फाइंड हो जाए मैंने कहा ये लेंथ जो है उस लेंथ का नाम ए है लेंथ दिस इज ए इज सो so, मैंने इसको क्या कर लिया दिस इज एच एंड दिस इज एल तो क्या बेटा मैं बोल सकता हूं ये एच है ये एल है तो जो मेरी टोटल लेंथ ऑफ द मिरर आएगी मिरर की टोटल लेंथ एच प्लस एल आएगी मिरर की टोटल लेंथ कितनी आएगी एच प्लस एल तो मैं पहले से आंसर लिख लेता हूं आंसर विल बी इज एच प्लस एल मुझे एच ओर एल निकालनी एच ओर एल निकालती है मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा अब आपको क्लियर हो गया होगा आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हो मुझे ऊपर के लिए रे डायग्राम अलग बनाना है नीचे के लिए रे डायग्राम अलग बनाना है अगर मैं ऊपर के लिए रे डायग्राम बनाता हूँ तो फिर से वही बात है मुझे एंड से बात करनी पड़ेगी एंड से आने वाली राइट रेस को मैं कंसीडर करूंगा वापस से मुझे नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे देखते रहिए ये ऊपर वाले पार्ट के लिए मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ नेमिंग कर दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा सारी गानी वही है दो ट्रगल आप दो एंगल आपके आई इसल टू आर के थ्रू इक्वल हो जाएंगे और एक परपेंडिकुलर के थ्रू इक्वल एक हो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रो कर दिया क्या आपको डायग्राम में एक बात दिख रही है ये इंसिडेंट रे है जो ए पॉइंट से चलकर रिफ्लेक्ट हो रही है सर्फेस पर आकर और ये वापस से आकर आपकी आईज पर जा रही है मैंने इसका नाम रख दिया पी इसका नाम रख दिया क्यू पी क्यू इज मिरर क्या ये आपको समझ में आ रहा है ये दोनों एंगल सेम होंगे बिकॉज ऊपर वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है नीचे और ये आर है ये आई और ये आर है हो बात ये पी पॉइंट पर आके यहाँ पे स्ट्राइक करता है या रिफ्लेक्ट करता है अब मैं और नेमिंग कर दूंगा आपको बहुत इजिली क्लियर हो जाएगा अब ये तो आईज है आईज का नाम तो मैं हमेशा से ई रखता हूँ दिस इज ई ए।, ए बी यहाँ पर सी लिख दिया मैंने लेट सपोज ये डी है तो ट्राइंगल देखिए बेटा इन ट्राइंगल मैं किन दो ट्राइंगल चाह रहा हूं ए पी डी एंड ट्राइंगल पी ई सी पीई सी एंगल की बात ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं कौन कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा एपीडी एपीडी पीई सी इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ये एंगल ये वाला एंगल ये आई है ये आर है और आई और आर इक्वल हो गए वेरी गुड बेटा एक कांसेप्ट लग गया टू आर दूसरा ये वाला एंगल देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के 90 दिख रहे हैं आपको कौन-कौन से एंगल ए डी पी एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए और विच इज 90 ए डी पी पी सी इज दोनों कितने 90 है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा बेटा ये वाला एंगल इससे इक्वल हो जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ए पी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी ई सी लेंथ के ले ले आंसर सेम आ जाएगा समझते हैं बेटा मैं एक बात बोलता हूँ आपसे क्या पी सी इज टू पी डी कर दू मैं पी सी छोटे वाले ट्राइंगल में है और पी डी बड़े वाले ट्रैंगल में है तो पी सी इज टू पी डी

पी सी बेटा बेटा कितना है पी सी तो मुझे अभी देखना पड़ेगा PC पी सी आपको दिख रहा है क्या ए दिया क्वेश्चन में देखिए दिस इज ए दिस इज पी सी पी डी ये पीसी दिस ए दिस ए पी डी ए प्लस फोर है ये टोटल लेंथ लेंथनी होगी बेटा फाइव ए टोटल लेंथ पी डी ए प्लस फोर ए फोर ए प्लस ए फाइव है ये फाइव है ये भी फाइव है वेरी गुड बेटा सी ई सी ई निकालना है सी -E क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा सी एच -E, होगा सर देखो बेटा सी ध्यान -E से देखो बेटा सी -E कितना होगा एच वेरी गुड और आपको ए डी देखना है ए डी ए डी ए क्या आपको समझ में आ रहा है ए डी जरा समझिए कोशिश कीजिए बेटा ए डी लाइन चाहिए आपको ध्यान से देखना बेटा सी -E कितना होता है मैंने एच तो ये एच और ये भी क्या हो गई एच ये भी एच ये टोटल कितना है दस तो ये कितना बचा टोटल कितना है बेटा ये बताओ टेन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कितना है एच तो ये बचा कितना टेन माइनस एच क्लियर हुई बात बेटा ए से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा फाइव एच इजल टू टेन माइनस एच सिक्स एच इजल टू टेन एच इज टू टेन बाई सिक्स फाइव बाई थ्री क्लियर होगी बात बेटा अब नेक्स्ट ट्रैंगल को समझते हैं ये आपको ट्रैंगल समझ में आया ये वाला ट्रैंगल बड़ा वाला ट्रैंगल ए पी इज सिमिलर विथ पी ये दोनों ट्रैंगल सिमिलर है ये वाली लेंथ कौन सी लेंथ बेटा पी सी इज टू पी कर दिया पी सी कितनी थी ए पी कितनी थी फाइव ए कैंसिल हो गया वेरी गुड बेटा सीई सीई इज एच ए डी ये पॉइंट डी है टोटल है टेन AD, AD है ये एच है तो ये कितना बचेगा एडी टेन माइनस एच टोटल टेन दिस इज एच टेन माइनस एच एच कितना गया फाइव बाई थ्री अब बेटा इसी तरह से मैं नीचे वाले पार्ट में लग, रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा देखिएगा वी कैन डू इट वेरी इजिली दिस पॉइंट इज नोन एज एफ दिस पॉइंट इज नोन एज जी तो फिर से मैं दो ट्राइंगल को लेने की कोशिश करता हूं आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं एंड ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल है बी बी क्यू जी बी क्यू जी बड़ा वाला ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला एंड ट्रैंगल ई एफ क्यू ई एफ क्यू दो एंगल तो इसलिए इक्वल हो गया आई इज टू आर के कंसेप्ट से वेरी गुड बेटा अगला जरा दिया ध्यान देखिएगा ये एंगल एन लग रहा है और ये एंगल भी क्या है नाइन्टी है दोनों एंगल एन है कौन कौन से एंगल मुझे लिखवा देते हैं? आप बढ़िया रहता मैं लिख रहा हूँ बी जी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई एफ क्यू दैट इज नाइन्टी डिग्री दो ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड ट्रैंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा मैं लेंथ के रिश्यूज कर देता हूँ आप फिर से करना कोशिश करता हूँ बेटा एफ क्यू और इसका रिश्यू लेता हूं तो मेरे पास आ गया ट्रैंगल बी क्यू जी इज सिमिलर टू एन ट्रैंगल ई एफ क्यू लेंथ का रेशियो ले लो बेटा क्यू एफ इज टू क्यू जी क्यू एफ इज टू क्यू जी क्यू एफ इज दिस लेंथ क्यू जी इज ये बड़ी वाली लेंथ क्यू एफ इज टू क्यू जी इज सिमिलर टू एफ इज टू BG. देखिएगा जरा क्यू एफ इज टू क्यू जी वाली लेंथ क्यू एफ कितना है ए है क्यू जी टोटल लेंथ ए प्लस फोर ए फाइव ए ए अपॉन फाइव ए इज इक्वल टू ई एफ ई एफ एज एल बी जी फंस गया क्या नहीं फंसे ये थर्टी है दिस इज एल तो ये कितना बचा बेटा थर्टी एल तो ये बचा थर्टी माइनस एल क्लियर नहीं हुआ टोटल थर्टी ये एल तो ये वाला पार्ट सेपरेट करेंगे थर्टी से तो ये वाला पार्ट कितना बचा बड़ा बचेगा बेटा ये बचेगा थर्टी माइनस एल ए से कैंसिल हो गया तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां से फाइव एल इज इक्वल टू थर्टी माइनस एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एच बी आ गया क्या मैं इन दोनों को सॉल्व करके आंसर बता सकता हूं मैंने पहले लिख दिया आंसर विल बी एच प्लस एल एल कितना मेरे पास फाइव एच कितना आया फाइव बाई थ्री इसको सॉल्व करेंगे फिफ्टीन ट्वेंटी बाई थ्री मीटर्स क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द मेरर मिरर की मिनिमम लेंथ बतानी है तो मिनिमम लेंथ कितनी आ गई ट्वेंटी बाई थ्री फॉर पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ आइस आइस की पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपकी मिरर की लेंथ जाएगी एक चीज जो यहाँ पर आपको शायद दिक्कत हो सकती है आपको वैसे क्लियर ही हो गया ये टेन है ये एच है तो जब मैंने कहा ये पूरी टेन है ये एच है तो ये लेंथ कितनी बची टेन माइनस एच ए डी इज बेसिकली टेन माइनस एच वेरी गुड ये 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 कितनी 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 है है देखो बेटा आपको क्वेश्चन 30 और ये सामने वाली दी L तो ये बची कितनी लेंग? बीजी लेंग कितनी बची बीजी दो दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रेंगल दिस इज सिमिलर टू दिस ट्रेंगल ये प्रॉपर्टी लगाई लेंथ के रेशियोज ली आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू ओके बेटा